जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि यार आपको अपनी हैंडराइटिंग सुधारने के लिए किस तरीके से पेन पकड़ना चाहिए, कौन सा पेन इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे बेस्ट पेन मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा होता है जिसे मैं यूज करता हूं। इसके पहले हमने हैंडराइटिंग के ऊपर वीडियो बनाई थी कि कैसे आपको हैंडराइटिंग सुधारना है, अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आप हैंडराइटिंग सुधारना चाहते हैं, यूट्यूब पर आप वीडियो देखते हैं, बहुत सारी वीडियो बताते हैं कि भाई आपको ऐसे पेन पकड़ना चाहिए, ये पेन इस्तेमाल करना चाहिए, हैंडराइटिंग के लिए बहुत अच्छा है। तो ये सब दोस्तों मैं बता दूं, एकदम गलत तरीका है। आपको ऐसे हैंडराइटिंग कभी आप नहीं सुधार पाएंगे और ना ही आजमाना चाहिए। मैं आपको बताना चाहूँगा, आप जैसे पेन पकड़ रहे हैं केवल वैसे ही पेन पकड़ते रहिए। हाँ, अगर आप थोड़ा बहुत आदत बदल लेते हैं तो उसमें से आपकी हैंडराइटिंग इंक्रीज होगी, लेकिन इतना भी नहीं हो सकती है। जैसे कि मान लीजिए ये कॉपी है, तो मैं कॉपी कैसे पकड़ता हूँ, जैसे मैं लिखना चाहता हूँ तो मैं हमेशा थोड़ा तिरछा करके लिखता हूँ। कौन कौन लिखता है कमेंट करके जरूर बताएं, मतलब ऐसे मैं लिखा करता हूँ, ठीक है, आपको दिख रहा होगा ऐसे। ये सीधा मैं ऐसे कभी नहीं लिखता क्योंकि हाथ दर्द करने लगता है। आप देख सकते हैं हमारा हाथ ऐसे होता है, तो सीधा ऐसे मतलब तिरछा करके हम ऐसे लिखते हैं तो आसानी से हम लिख लेते हैं। तो ऐसे आपको लिखना चाहिए, सबसे मेन बात होती है, ठीक है, क्योंकि ऐसे आप करेंगे तो कभी आपकी हैंडराइटिंग सही नहीं बैठेगी। क्यों? क्योंकि ये आपका जो पेट है ये हमेशा इसमें लड़ जाएगा और फिर आपका बाएं जो है वो नहीं घूम पाएगी। आपको अपनी हैंडराइटिंग सुधारने के लिए मेन बात होती है कि अगर आप लिखते हैं तो आपका ये पूरा हिलना चाहिए हाथ के साथ साथ। मैं आप हमेशा लिखता हूँ तो मेरा ये पूरा ऐसे पूरा हिलता है। बहुत सारे लोगों को आप देखते हो कि कलाई उनकी हिलती है, ऐसे रख लिए बस ऐसे ऐसे बनाते हैं, तो उनकी हैंडराइटिंग बहुत गंदी होती है। तो आप लोगों को थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करके ये सुधारना है। मतलब आप ए बनाएंगे तो ऐसे थोड़ा इसको हिला के बनाएंगे, धीरे धीरे आपका मतलब इंक्रीज हो जाएगा। एक दिन में आप कर सकते हैं, अगर केवल एक दिन आप हैंडराइटिंग के लिए दें। मैंने एक दिन में अपनी हैंडराइटिंग सुधारी थी, ठीक है। अब आप सोचो कैसे सुधारी थी, मैंने वीडियो बना दी है पहले ही। अब देखिए दोस्तों, आपको किस तरीके का पेन लेना चाहिए मेन बात आती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, किसी भी प्रकार का पेन आपको नहीं लेना है, जिस पेन से आपको कंफर्टेबल फील होता है, मतलब आपको आरामदायक लगता है कि हाँ मैं ये इस पेन से लिखता हूँ तो मतलब मुझे अच्छा फील होता है और मेरे लिए ये पेन बेस्ट है, तो उसी पेन से आप इस्तेमाल कीजिए। कोई कहता है कि भाई उस पेन से करो, उस पेन से, तो आपको नहीं करना, क्योंकि हर एक की चॉइस अलग अलग हो सकती है, हर एक के पेन पकड़ने का तरीका अलग अलग हो सकता है। ये तो ही नहीं कि भाई कोई बाएं हाथ से लिख रहा है कोई दाएं हाथ से, अब वो बोल रहा है कि भाई आप इस पेन से इस्तेमाल करो, कोई मोटा पेन से लिखता है कोई पतले पेन से लिखता है। अब बताइए वो बोलेगा इस पेन का इस्तेमाल करो, मान लीजिए आप वो पतले पेन से इस्तेमाल करते हैं आप मोटे पेन से इस्तेमाल करते हैं, तो कहाँ से राइटिंग दोनों की मतलब सही हो पाएगी, एकदम नहीं होगी। तो आपको यही ध्यान रखना है कि पेन में कभी ध्यान नहीं भटकाना है कि भाई मुझे कौन सा पेन लेना चाहिए। आपको उसी पेन को ले लेना है जिस पेन से आपकी हैंडराइटिंग अच्छी होती है और आपको कंफर्टेबल फील होता है, ठीक है। तो इसकी भी कन्फ्यूजन आपको दूर हो गई। अब यहाँ पर मेन बात आती है दोस्तों हमारा कि हम यार लिखें कैसे, कैसे हम अपनी हैंडराइटिंग सुधार रहे हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई पेन कैसे पकड़ें, वही भाई पेन कैसे पकड़ें। जैसे कि मान लीजिए मैं इसमें से लिखूंगा तो मेरी हैंडराइटिंग दूसरी रहेगी, इसमें से लिखूंगा दूसरी रहेगी, आप जानते होंगे मार्कर पे अभी लिखूंगा दूसरी रहेगी। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा पतले पेन से लिखता हूँ, इसलिए मेरी हैंडराइटिंग इसमें सही आएगी, इसमें से ख़राब। अब बोलिए जो इसमें से लिखना मतलब अभ्यास कर चुका है वो इसमें से लिखे ख़राब आएगी, अब वो बताता है कि आप मार्कर से लिखना स्टार्ट कर दीजिए, क्या आपकी हैंडराइटिंग कभी सुधर पाएगी? नहीं सुधर पाएगी ना। तो आप लोगों को बिल्कुल भी ये सब नहीं भटकना कि किस पेन से लिखना है किस पेन से नहीं लिखना है। अब चलिए बात करते हैं कि आपको पेन कैसे पकड़ना है। देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ पेन पकड़ते हैं वो गलत तरीके से। मैं पेन पकड़ने के लिए तो बोलूँगा कि हाँ पेन पकड़ने में आप गलती करते हो। जैसे कि मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग पेन पकड़ते हैं ऐसे, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ऐसे पेन पकड़ते हैं तो मतलब ऐसे रहता है पेन, इधर को अगर आप दाएं हाथ से लिखते हैं तो देखना इधर को रहता है, लेकिन आप अगर पेन पकड़ते हैं थोड़ा पेन अगर इस तरह से रहे, ये मतलब ये पेन किस तरीके से रहे, इस तरीके से टेढ़ा पकड़ें आप, ऐसे ऐसे लिखते जाएं, तो आपकी 100% है कि हैंडराइटिंग बहुत ही अच्छी होगी और हल्के हाथों से आपको पेन पकड़ना है। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग डर डर के मतलब ऐसे कड़े से पेन पकड़ लेते हैं, तभी उनकी हैंडराइटिंग और गड़बड़ हो जाती है। क्यों? क्योंकि भाई वो गड़ा कर लिखते हैं और उनके मतलब जो अक्षर बनते हैं वो टेढ़े बन जाते हैं। भाई गड़ा के लिखेंगे तो आप इस वजह सीधी कभी लाइन खींच पाएगी, आप देखना कभी नहीं खींच पाओगे, और अगर आप ढीला के ऐसे खींच दोगे एकदम सीधी लाइन खींच जाएगी बिना पटरी के। आप ऐसे खींचोगे बिना डर के सीधी खींच जाएगी, अगर आप डर के खींचोगे तो लाइन टेढ़ी मेढ़ी बन जाती है। तो इसीलिए मैं बोलना चाहूँगा आपको पेन पकड़ने के तरीके को जरूर सुधारना पड़ेगा कि भाई जो पेन है अगर आप दाएं हाथ से लिखते हैं तो इस तरीके से थोड़ा पेन पकड़ लीजिए। मैं बाएं हाथ वालों को तो बता नहीं सकता अगर आप बाएं हाथ के हैं, लेकिन कुछ मैं आपको बता सकता हूँ कि इसमें भी आप इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए अक्षर को आपको थोड़ा तिरछे बनाना है, अक्षर को जो होता है उसको हल्का टेढ़े बनाना है, एकदम सीधा सीधा नहीं बनाना है, जिससे भी आपकी हैंडराइटिंग सुधर जाएगी और अच्छी लगने लगेगी।
हिंदी के अक्षर को मैं नहीं बोल रहा हूँ, इंग्लिश के अक्षर को बोल रहा हूँ कि आपको थोड़ा इस तरीके से तिरछे अक्षर बनाने, ठीक है। आप देखेंगे कि तो बताऊंगा मैं, चलिए आपको बताऊंगा फिर अगली वीडियो में कि आपको कैसे अक्षर बनाने हैं ए बी सी डी के, सब कुछ आपको बताऊंगा, ठीक है। तो पेन पकड़ने के तरीके को आप सुधार लीजिए, ऐसे ही करके पकड़िए और ढीले हाथों से पकड़ के लिखने की कोशिश कीजिए, ऐसे मतलब आप ढीले हाथों से पकड़ के ऐसे ढीले हाथों से लिखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो इसमें से आपकी हैंडराइटिंग 100% बहुत ही अच्छी हो जाएगी। बस यही थी वीडियो यार, बहुत सारे लोग कन्फ्यूज रहते हैं किस पेन से करना है, किस तरह से पकड़ना है। हाँ, हैंडराइटिंग के लिए मेन बात होती है कि आप पेन कैसे पकड़ना है, ढीले हाथों से पेन पकड़ना है। दूसरी बात, कॉपी को थोड़ा ऐसे टेढ़ी रखना है, कॉपी को ऐसे टेढ़ी रखना है ऐसे, फिर लिखना है। अगर आप ऐसे सोचिए ऐसे कर लेंगे तो कितनी बेकार राइटिंग आएगी, लेकिन आप ऐसे कर लेंगे दाएं हाथ से लिखते हैं तो अच्छी आएगी। अगर आप बाएं हाथ से लिखते हैं तो आप इसको टेढ़ा कर सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से लिखने का प्रैक्टिस कर सकते हैं, इस तरीके से देख सकते हैं, इसको भी सीध करके नहीं लिखना है, ऐसे टेढ़ा करके, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। आई होप आप वीडियो समझ गए होंगे और आपको आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार हैंड राइटिंग सुधारने वाली वीडियो के साथ, कैसे आपको ए बी सी डी के अक्षर बनाने हैं, बहुत ही अच्छी राइटिंग आपको बताऊंगा, एक दिन में आप अपनी हैंड राइटिंग सुधार सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार। बहुत सारे लोग बोलते हैं सुलेख लिखो, तो बिल्कुल मैं आपको बोलना चाहूँगा सुलेख आप लिखोगे तो आपकी हैंड राइटिंग एकदम गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि उसमें आप बार बार गलत शब्द बनाओगे और वैसे ही आपकी प्रैक्टिस होगी। इसलिए आप थोड़ा एक बार लो, जैसे का बनाना है का लो और पूरे पेज में बना डालो, सुधारने की कोशिश करो हर बार, इस तरह से हैंडराइटिंग सुधारती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार, तब तक के लिए दीजिए मुझको इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।